आरके हिंदी सुविचार और कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गर्भवती माँ। रीमा उमेश की शादी को 1 वर्ष हो चुके थे। उमेश रीमा को खुश नहीं रखता था। जब रीमा घर पर अकेली रहती तो सोचती थी कि क्या वह उमेश को बदल पाएगी, लेकिन उमेश जब रात को काम पर से घर आता तो रीमा से खाना मांगता और ज़रा भी देर होने पर उसे मारता पीटता था। रीमा बहुत रोती थी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद रीमा माँ बनने वाली थी। वह उमेश को बताई, वह कुछ नहीं कहा, उल्टा ही उसे मारता। रीमा बहुत रोती और सोचती कि जब मैं इतना मार खाती हूँ तो मेरा बच्चा का क्या हाल होगा। अब रोज की बात हो गई थी। उमेश रोज रात को घर आता और रीमा की पिटाई करता। एक दिन वह एक लकड़ी लेकर आया और रीमा को मारने लगा। रीमा चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मुझे मत मारो, लेकिन उमेश ने एक न सुनी और मारते मारते थक गया तो छोड़ दिया और बोला मुझे खाना दो। रीमा डहरी समी खाना लेकर आई और जैसे ही खाना खाया वह खाना फेंक दिया और उसे मारने लगा जब तक वह बेहोश न हो गई और वह जाकर सो गया। रीमा को होश आया तो देखा कि उसके सर से खून बह रहा है। वह कमरे में चले गई और बैठी सोच रही थी कि अब मुझे नहीं जीना है। वह घर से निकली, सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। रेलवे ट्रैक पर खड़ी हो गई और ट्रेन आने का इंतजार करने लगी। तभी ट्रेन आने लगी। रीमा को पटरी पर खड़ा रहते एक लड़के ने देख लिया। वह झट से रीमा का हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया, उसे बैठाया। रीमा कहने लगी, मुझे क्यों बचाया, मुझे मरने दो। वह लड़का, जिसका नाम विनय था, वह बोला, आप क्यों मरना चाहती हैं। रीमा ने कहा, मैं गर्भवती हूँ, मेरा पति रोज किसी न किसी बात को लेके मुझे मारता पीटता है, मैं माँ बनने वाली हूँ। वह सब जानता था, फिर भी मुझे मारता है, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। विनय बोला, आप अपने पति को तलाक क्यों नहीं ले लेती। इस पर रीमा बोली, कौन मेरी मदद करेगा, क्या आप मेरी मदद करेंगे। विनय बोला, हाँ मैं करूँगा, आप मेरे साथ चलिए। रीमा उसके साथ चली गई। 2-4 दिन बीतने के बाद जब उमेश को घर नहीं गई तो उमेश को लगा कि कहीं वो मर तो नहीं गई। उमेश मन में सोचने लगा कि आने दो, उसे फिर से मारता हूँ, उसे मार खाए ज़्यादा दिन हो गए हैं। तभी रीमा विनय के साथ वहाँ आ गई और कहने लगी, मुझे तलाक चाहिए। इस पर उमेश उसे मारने वाला था, तभी विनय उसके आगे आ गया और कहने लगा कि मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, तुम्हें घरेलू हिंसा करने में पुलिस तुम्हें जेल में बंद कर देगी। उमेश डरते हुए बोला कि तुम कौन हो भाई। विनय बोला कि इस कागज़ पर अपना साइन करो। उमेश बोला, मुझे धमकी देते हो। उस पर विनय बोला, मैं सीनियर इंस्पेक्टर विनय हूँ। रीमा विनय का मुंह देखती रह गई। वह सोचने लगी कि 10 दिनों से मैं रह रही हूँ, फिर भी विनय ने नहीं बताया। उमेश डरते हुए तलाक के कागज पर साइन कर दिया। रीमा अब सुकून से रहने लगी। कुछ समय बीत जाने के बाद वह अपना सारा सामान बांधने लगी। तभी विनय वहाँ आ गया और कहने लगा कि कहाँ जा रही हो। रीमा ने कहा, अब मेरा तलाक हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए। आखिर कितने दिन तक मैं रहती, एक न एक दिन मुझे जाना ही होगा। विनय बोला, मत जाओ रीमा, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। रीमा बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ, क्या तुम मुझे और मेरे बच्चे को अपनाओगे। विनय बोला, हाँ मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। फिर क्या था, रीमा और विनय की शादी हो गई। वह खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, कृपया ये कहानी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।